any land, whether commercial, agricultural or residential, how it is decided? कोई भूमि व्यवसायिक भूमि या कृषि भूमि या आवासीय भूमि है, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, यूपी जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इस एक्ट में हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 143 पैरा 7। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंडी प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर्स के केस में इसी पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 143 पैरा 7 को रेफर करते हुए ये कहा है कि अनलेस एनी लैंड इज डिक्लेयर्ड एज नॉन एग्रीकल्चरल, जब तक किसी भूमि को गैर कृषि भूमि निर्धारित नहीं किया जाता है, और एनी लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट रिजर्व लैंड, जब तक किसी भूमि को फॉरेस्ट रिजर्व लैंड घोषित नहीं किया जाता है, टिल देन लैंड विल बी एग्रीकल्चरल, तब तक जो भूमि है वो कृषि भूमि होगी और वो भूमि लैंड के डेफिनेशन में आएगी। ऑल्सो इन श्रीमती अनुसुईया सिंह वर्सेस कमिश्नर फैजाबाद डिवीजन फैजाबाद एंड अनदर के केस में कोर्ट ने कहा, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड एट रोड साइड इन सेमी अर्बन एरिया, किसी सेमी अर्बन एरिया में, किसी रोड साइड में अगर कोई भूमि सिचुएटेड है, उसे हम तब तक कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल नहीं मानेंगे जब तक उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल अथॉरिटीज के द्वारा उस सेमी अर्बन एरिया में सिचुएटेड उस भूमि को रेजिडेंशियल और नॉन एग्रीकल्चरल डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता है। तो जब तक किसी भूमि को उस भूमि के लोकल अथॉरिटीज के द्वारा रेजिडेंशियल या नॉन एग्रीकल्चरल घोषित नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो भूमि कृषि भूमि होगी, यही कहा गया था इन श्रीमती अनुसुईया सिंह वर्सेस कमिश्नर फैजाबाद डिवीजन, राइट।